ओम शांति। तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते गला हो गला खराब हो जाता है इतना समझाया जाता है फिर गला भी खराब हो जाता है अब बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना और जिन्होंने समझाए है तो बाकी औरों के साथ फालतू थोड़े ही माथा लगाएंगे है ना ये पॉइंट तो है समझा अब बाबा के हम बने तो बाबा हमको और डिटेल में और डिटेल में समझाते जाते हैं इसीलिए निश्चय बुद्धि को बाप के सामने बिठाया जाते हैं संशय बुद्धि को नहीं कि वो बाप से ही प्रश्न करने लगे उसके लिए हम बैठे हैं ना हमसे प्रश्न कर तो इसीलिए निश्चय बुद्धि को ही बाबा के आगे लाए जाते हैं क्यों वो बाप थोड़ा ही उसके साथ माथा लगाएंगे हमारे साथ लगाएंगे हम अपने निश्चय से सुनाएंगे हमारा निश्चय उसको दिखाएगा साक्षात कर कराएगा क्योंकि बाप ने तो अगर एक बार साक्षात कर करा दिया तो वो तो टेम्परेरी निश्चय होगा ना पुरुषार्थ से जो निश्चय होता है ना वो सर्वोपरि है और जो अनुभव से स्वयं के निश्चय से निश्चय होता है वो सर्वोपरि है इसीलिए मेहनत लगती है बाबा के सामने लाने में क्योंकि कहते हैं इसको बस बुला लो बुला लो बाबा को ये देखेंगे इनको निश्चय बैठ जाएगा फिर करने लगेंगे पुरुषार्थ ऐसा नहीं होता उसके लिए हम सब टीचर बहने जो होती है हमको ज्ञान सुनाना है उनको उनको निश्चय बुद्धि बनाना है तब बाप के आगे लाना है ये अपने आप को समझ होनी चाहिए कि क्यों बाबा के आगे नहीं लाना है संशय बुद्धि आत्माओं को इसीलिए बाबा को थोड़ा ही माथा मरवाना है ऐसे बच्चों के आगे तो ये रसम तब से ऐसे चली आई है फिर पवित्रता की वो धारणा करते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली अनुभव होने लगते हैं फिर निश्चय जब इतना बैठ जाता है तब उनको बाबा के सामने लाना होता है वरना तो टेम्प्रेरी किसी को थोड़ा सा हुआ हाँ 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 बाबा करते हैं, बाहर गए फिर वो ये तो सब जगह चलता है ऐसा ही होता है ऐसी बातें करने लगते हैं इसीलिए शिव बाबा पर निश्चय कराना हमें अपने निश्चय चाहिए चाहिए इसीलिए ये रस्म पड़ी है कि टीचर बहनों के समुख आते हैं टीचर बहनें शिव शक्तियाँ है तो ये उनके पांच विकारों को भसम करती हैं और फिर शे बाबा के आगे लाती है इसीलिए ये बनाया गया है इसीलिए देवियों की पूजा होती है ये शिकार करेंगे शिकार किसका असुरों का ऐसे कोई ना कोई आत्मा को शिकार करने निकली है वो शिकार नहीं मैं न पांच विकारों का शिकार अंदर से पकड़ के पांच विकारों को निकालना इतना निश्चय बुद्धि बना तब बाबा के समुखलाने समझा कितना अच्छे से बाबा ने समझाया कि तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो गला खराब हो जाता है अब बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना तो बाबा डिटेल में हम बच्चों को समझाते हैं कि आपको आगे कैसे समझाना है क्या वो पूछेंगे क्या करना सारी ट्रेनिंग हम बच्चों को दे दी जाती है तब हम जाके किसी और को सुनाते हैं तो उसको तीर लगता है और तीर भी क्यों लगेगा क्योंकि हमें बाबा ने सुनाया है तो हम बाबा की याद में जब सुनाते हैं तब दूसरे को तीर लगेगा ऐसे तीर नहीं लगता हम दे अभिमान में हम ही सब कुछ कर सकती है हम ही अच्छा सुनाती हैं तो ऐसा दे अभिमान पल भर में चुड़ चुड़ हो जाता है पूरा नहीं चला पाती है ओम शांति किसी भी बात में संकल्प ना चले उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझ कर पाठ बजाना ये ड्रामा का जो चैप्टर है ना बड़ा ही वंडरफुल है लेकिन अगर किसी को समझ में आ जाए तो अगर अगर नहीं समझ में आता तो हलचल में जरूर लाएगा इसलिए एक ही शब्द है ड्रामा लेकिन उसके अर्थ बड़े हैं अगर हमने समझ लिया तो फिर बहुत सहज है और अगर नहीं समझा तो इसी ड्रामा के ही अक्षर में उलझ के रह जाते हैं ये वो चक्र है तो इस चक्र को अच्छी तरह से समझने के लिए बाप की नजर से बाप को जाने और फिर बाप के द्वारा ड्रामा को समझने की कोशिश करें फिर आपको बड़ा सहज लगेगा वरना अगर आप समझेंगे कि हमें ज्यादा बुद्धि है और हम ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं और हमें ज्यादा अकल है तो फिर कहीं तो फिर उल्टी बुद्धि चल पड़ते है क्योंकि माया यहां पर भी बहुत ज्यादा अटैक करती है कि ड्रामा में जब होगा तो देखा जाएगा होगा क्या देखा जाएगा ड्रामा तो बनाना है ना अभी जो आज है वो ड्रामा बनाना है जो कल बीत गया वो ड्रामा नूंदा गया तो बस बहुत सिंपल सी बात है जो बीत गया वो आ गया पर जो आज आने वाला है जो हो रहा है ये नूंदना है अब क्या नूंधना है क्या नहीं मान लो आपने अच्छा सोचना है तो ये तो आपने नूंदना है ना कि मुझे अच्छा सोचना है तो ये अगर आपने दृढ़ता रख ली तो आप अच्छा सोच रहे हैं तो आप भविष्य भी अच्छा बना रहे फिर ना तो आपको पास्ट की चिंता ना ही आपको फ्यूचर की चिंता क्योंकि आपने आज में अच्छा किया है और इसी में ड्रामा का सारा खेल होता है तो पास्ट भी तो आज पर ही डिपेंड करता है और आज पर ही भविष्य डिपेंड करता है तो बड़ा अच्छा खेल है ये